हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। यहाँ पे मैं आपको नाउंस के काफ़ी बेसिक रूल्स समझाने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आएंगे। सो रूल्स को समझने के लिए, उसके जो बेसिक ट्रिक्स समझने के लिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो बेसिकली दोस्तों, हमारा टॉपिक है नाउन। सो हमेशा हम स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं, कोई एक डेफिनेशन होती है नाउन की, तो पहले वो डेफिनेशन देखते हैं कि वो डेफिनेशन क्या थी नाउन की ना। सो जो बेसिकली हमारी डेफिनेशन थी वो थी, तो दोस्तों हमारी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन बड़ी सिंपल, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो दोस्तों यहाँ चार चीज़ें हैं मेरे पास, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, चार चीज़ें हैं। चारों मिलके क्या बना हुआ है? नाउन। एक पर्सन का नाम हो या प्लेस हो या एनिमल हो या थिंग हो, ये सब मिलके आपका क्या बनता है? नाउन। देखते हैं आगे ये क्या होते हैं, पर्सन, प्लेस और नाउन क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आया पर्सन। पर्सन में क्या है? किसी का भी, कोई भी पर्सन का नाम, जैसे सीता हो, राम हो, अशोक हो, ठीक है। तो काफ़ी नाम होते हैं हमारे आसपास, हमारा खुद का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन है, ठीक है। नंबर टू है प्लेस। प्लेस में क्या होगा? कुछ एग्जांपल्स प्लेस में है, एग्जांपल्स लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इंडिया, जापान, चीन। सो देर आर सो मेनी प्लेसेस जिनका नाम होता है, सो वो भी किसके अंतर्गत आता है? नाउन, इट इंक्लूड्स इन नाउन। नंबर थर्ड इज एनिमल। मैंने एनिमल भी ऐड किया हुआ है, बेसिक डेफिनेशन में एनिमल नहीं होता बट स्टिल मैंने एनिमल भी ऐड किया है। सो एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, ये भी क्या है? नाउन में ही आता है। और नंबर फोर्थ है थिंग। नंबर फोर्थ क्या है? थिंग। थिंग में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल पेन है, बुक है, टेबल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, चेयर है, सो मेनी थिंग्स। तो थिंग के बारे में आप क्या सोचेंगे? थिंग के बारे में मैंने एक लाइन लिख के रखी हुई है, उससे समझते हैं क्या होता है ये। थिंग क्या है? द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। हम जो कुछ भी सोच सकते हैं वो क्या बन जाता है? थिंग। कुछ भी आप दिमाग में आप क्या है वो थिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में क्या आ रहा? फ्लावर, इट इज अ थिंग। सो जो भी आप सोचे, जब भी आप थिंग के बारे में सोचे या थिंग को नाउन से कनेक्ट करना चाहें, तो आपको क्या नोट याद आना चाहिए? ये कि द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। हम लोग कुछ भी सोचे वो क्या बन जाता है? थिंग, ठीक है। फर्दर चलते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिक डेफिनेशन ऑफ थिंग, कि एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के जो नेम है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। अब नाउन के टाइप्स होंगे, कुछ टाइप्स के अलग अलग टाइप के नाउन होंगे, तो उसका जो कैटेगराइजेशन है वो करते हैं। तो पहला जो देखते हैं वह काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो उसमें पहले क्या आता है देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, नंबर वन प्रॉपर, नंबर टू कॉमन नाउन के बारे में। अभी क्या होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स, उनसे समझते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन होते क्या है, ठीक है। ठीक, एग्जाम्पल यूज किया दोस्तों मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? अशोका वॉज अ वाइज किंग। अशोका वॉज अ वाइज किंग। सो हियर अशोका, अशोका मैं से बोल रहा हूं कि ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है अशोका। और एक और जगह यहाँ पे आया है किंग, किंग इज द कॉमन नाउन, मैं बोल रहा हूँ इसको कॉमन नाउन, कॉमन है ये प्रॉपर, ठीक है। सो अभी मैंने बोला नेम ऑफ अ पर्सन, ये क्या था? अशोका, किसी का नाम है। किंग, ये किंग जो है ये भी एक नाउन है, बट ये काइंड्स ऑफ नाउन्स में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, इसके बारे में कुछ लिख रखा है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द नाउन अशोका रिफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग, मींस नाउन जो अशोका है वो किसी पर्टिकुलर किंग को रिफर कर रहा है, मतलब कोई राजा है जिसका नाम अशोका है, ठीक है। बट द नाउन किंग, किंग भी एक नाउन है, माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका, मींस किंग आप अशोका को बोला, अगर कोई और भी किंग है उसके टाइम में तो उसको भी आप किंग बोलेगा। मतलब किंग जो है कॉमनली जितने भी राजा हैं सबको आप किंग बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं उनको, मींस कॉमनली आप ये जो किंग वर्ड है वो दूसरे आदमी के साथ भी लगा रहे हैं, मींस इट इज अ कॉमन, ठीक है।
तो दोस्तों इसीलिए यहां अशोका क्या बना, प्रॉपर नाउन, और किंग जो है वो है कॉमन नाउन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के। दोस्तों एक और एग्जांपल है, सीता इज अ प्रॉपर नाउन, सीता किसी लड़की का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। व्हाइल गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, गर्ल एक कॉमन नाउन है। सिंपल सी बात है, गर्ल एक क्या हो गया, कॉमन नाउन। कैसे, द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स को ये क्या दिया गया है, कॉमन दिया कि ये गर्ल है बोल के, ठीक है। दिस गर्ल इज अ कॉमन नाउन, व्हाइल सीता, सीता इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, किसी एक लड़की का नाम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको आइडिया क्लियर हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का, बेटा बेसिक सा फंडा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, कोलकाता इज अ प्रॉपर नाउन व्हाइल सिटी इज अ कॉमन नाउन, सिटी तो आप बहुत सारी सिटीज है लेकिन कोलकाता तो एक ही है, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन किसी सिटी का। एक और एग्जाम्पल है, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन व्हाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन व्हाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन। तो ये जो तरीका होता है समझने का प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का, क्योंकि इंडिया एक तो पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम है लेकिन कंट्री तो बहुत सारी है जो कॉमन में है, कंट्री आप किसी को बोल सकते हैं, अमेरिकन कंट्री ना, आपका इंग्लैंड है, जापान है, फ्रांस है, सब ये कंट्री हैं, तो ये तो कॉमन में आप कंट्री बोलते हैं उनको, ठीक है। लेकिन इंडिया उनको नहीं बोल सकते, इंडिया तो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम, ठीक है। तो ये डिफरेंस था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का। फर्दर चलते हैं इसके कैटेगराइजेशन में, किसके, नाउन के। दोस्तों आपके लिए एक डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की, तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, मीन सबको दिया गया है कॉमन में ये नाम, वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। एक डेफिनेशन है, अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन की भी देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, ये हमेशा याद रखना दोस्तों, सम पर्टिकुलर पर्सन, ये अगर लिखा है मींस प्रॉपर नाउन। हेंस अ प्लेस प्रॉपर नेम इज अ पर्सन्स ओन नेम। तो ये दो डेफिनेशन है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की, ठीक है। चलते हैं फर्दर, एक नोट याद रखिए, प्रॉपर नाउन में कुछ क्या क्या चीजें आपको करना है, क्या क्या चीजें करना है प्रॉपर नाउन। नोट नंबर वन, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। कोई भी प्रॉपर नाउन है तो उसको लिखने से आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर जो होगा बिगिनिंग में, स्टार्ट कर रहे कोई सेंटेंस, बिगिनिंग में उसको कैपिटल रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल, राहुल इज अ बॉय, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, राहुल इज अ बॉय। सो यहाँ जो कैपिटल आर है ये कैपिटल यूज किया हुआ अकॉर्डिंग टू दिस नोट, ये हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। अगर सेंटेंस बिगिनिंग है, बिगिनिंग में आपको इसको सेंटेंस हो या वर्ड अकेला भी हो तो इस बिगिनिंग में आपको क्या करना है, कैपिटल डालना है। ऐसे नहीं डालना है कि आर ए एच यू एल राहुल इज अ बॉय, ठीक है, ऐसे नहीं डालना। तो प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में डालना है। देन नंबर टू है, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया था, प्रॉपर नाउन ये है, कॉमन नाउन ये है, बट मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ नोट नंबर टू में, कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन जैसे भी यूज कर सकते हैं आप, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन भी यूज कर सकते हैं, ये एग्जाम में काम आता है आपके, कि कभी कभी प्रॉपर नाउन तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, नाम है डायरेक्टली आप प्रॉपर लगा दी, लेकिन कभी कभी वो प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन बन जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज द लुकमैन द वॉइसेस्ट मैन ऑफ हिज एज। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि मैं अपना एक नॉर्मल जो एग्जाम्पल लेता हूँ आप उसे समझिए, कि हिज फादर इज हिटलर, हिज फादर इज हिटलर, उसका अपने पापा क्या है, उनके पापा क्या है, हिटलर है, ठीक है। सो हिज फादर इज हिटलर, हिटलर तो आपको पता है कि प्रॉपर नाउन है, कोई था बंदा ना जिसका नाम था हिटलर, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, हिज फादर इज हिटलर। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, जो पहला दोस्त है वो दूसरे दोस्त के घर जाता है और उसका फादर जो है उससे बिहेवियर जो करते हैं, वो जो बिहेवियर होता है वो रूड बिहेवियर करते हैं, मतलब अच्छा सा बिहेव नहीं होता, ठीक है। तो वो दोस्त
अपने दोस्त को क्या बोलेगा कि भाई तेरे घर में जब भी मैं आता हूँ तेरे फादर जो है मेरे से बड़ा रूड बिहेवियर करते हैं ना, तेरे फादर तो हिटलर है। आपने ये जो सेंटेंस बोला कि तेरे फादर तो हिटलर है, मीन्स क्या उसके फादर हिटलर बन गए? नहीं, आपने क्या किया, एक प्रॉपर नेम जो है हिटलर का उसको कॉमन बना दिया, किसी को आपने वो उपाधि दे दी। ठीक है, सेम वे में ही वॉज द लुकमैन, ही दिस पर्सन ही वॉज द लुकमैन, वो लुकमैन था। पर लुकमैन कौन है? लुकमैन एक द वाइसेस्ट मैन, मतलब जो सबसे तेज तर्रार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी है वो है लुकमैन। और इसकी उपाधि किसको दिया गया है? इस बंदे को। ठीक है, मीन्स एक प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में हिज फादर इज हिटलर। ठीक है, हिटलर देख के लगेगा ये प्रॉपर नाउन है, बट नहीं, यहाँ ये एज अ कॉमन नाउन यूज किया हुआ है। मीन्स आपने एक पर्टिकुलर बंदे का नाम को इस पर्टिकुलर बंदे को उसकी उपाधि दे दी है। ठीक है, क्या बना ये? हिटलर। वेरी सिंपल। अनदर एग्जाम्पल, कालिदास। कालिदास के बारे में सुना होगा आपने। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर, मीन्स कालिदास को क्या बोलते हैं आप? शेक्सपियर बोलते हैं अक्सर। ठीक है, ज्यादातर टाइम क्या होता है कि कालिदास को शेक्सपियर बोलते हैं। कहाँ? ऑफ इंडिया, इंडिया का शेक्सपियर बोलते हैं। मतलब शेक्सपियर तो एक पर्टिकुलर बंदा है जो पर्टिकुलर नाम है किसी का, बट उसकी उपाधि किसको दी गई है? कालिदास को। कालिदास को दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि उस शेक्सपियर जो प्रॉपर नेम है उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉमन नेम। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि प्रॉपर नेम और कॉमन नेम नाउन में क्या होता है कि आप प्रॉपर को कॉमन में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम में आएगा, आपके काफी यूजफुल है। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। फर्दर, कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब कॉमन नाउन जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पढ़े, अब नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंदर ही है कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं ये कलेक्टिव नाउन और सब्स्ट्रैक्टिव नाउन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कलेक्टिव नाउन, ये क्या है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है, अब कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टूगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मीन्स सारे नंबर्स को एक साथ मिला के कोई यूनिटी में कोई नाम दे रहे हैं उसको क्या हम बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स हैं कि टीम, टीम कोई भी टीम हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम ना? जब टीम आप बोलते हैं तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11। बट यूनिटी में हम क्या बोलते हैं ये प्लेयर्स को मिला के? टीम, ये सिंगुलर हो गया। तो ये टीम जो क्या है, ये कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। क्राउड एग्जांपल में है, क्राउड भीड़, भीड़ में तो बहुत लोग हैं, इनफाइनाइट अनगिनत, आप यू कांट काउंट, अनकाउंटेबल। बट उस भीड़ का जो है ना आपने नाम दे रखा है भीड़ या क्राउड, यूनिटी में क्या बोलते हो? पूरे लोगों को मिला के क्राउड। मूव, मूव भी होते हैं कुछ पर्टिकुलर, कुछ मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डांस के भी मूव होता है, डांस मूवीज, तो 10-15 लोग जो है डांस परफॉर्मेंस देते हैं हम उसको क्या बोल सकते हैं? मूव। एनी वेयर दे कैन परफॉर्म, मूव। टीम, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, फ्लोक। फ्लोक, फ्लोक का मीनिंग क्या होता है? फ्लोक मीन्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ समथिंग इज फ्लोक। हर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, हर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ एनिमल। आर्मी, ग्रुप ऑफ आर्मी मेन्स, आर्मी मैन होते हैं ना, उनकी उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी, इंडियन आर्मी बोलते हैं ना, इंडियन आर्मी। वैसे ही फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? फ्लीट इज अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, कलेक्शन ऑफ शिप्स, शिप्स का कलेक्शन होता है, मीन्स फ्लीट जहाजों का बेड़ा क्या कहलाएगा? फ्लीट। ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है? कमिटी अपॉइंटेड टू जज अ कंपटीशन और समथिंग, कुछ चीज को जज करने के लिए कमिटी बैठा ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी। फैमिली, फैमिली यूनिट, फैमिली मेंबर्स बहुत होते हैं लेकिन यूनिटी में हम क्या बोलते हैं उसको? फैमिली। नेशन, नेशन में बहुत सारे लोग हैं लेकिन यूनिटी में क्या बोल रहे हैं? नेशन। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कितने एमपीस होते हैं लेकिन एक साथ उनको मिला के आप क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। कमिटी। तो ये वर्ड्स हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स के। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स मीन्स एक साथ मिलके सारी चीजों को एक यूनिटी में नाम दिया जाता है। डेफिनेशन है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यूनिटी में एक नाम दिया जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, तीन चीजें, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, इसका डायरेक्टली मीनिंग आपके ब्रेन से होता है कि आपका ब्रेन में जो फीलिंग है, जो सोचता है, वो चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट में आती हैं। ब्रेन हो या हार्ट हो, जिससे भी दिल सोच रहा है या दिमाग सोच रहे हैं, जो बोलते हैं आप, उससे सोच के जो चीज़ें आप जनरेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, याद रखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन तीन चीजें बोलेगी, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वालिटी। नंबर वन इज क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम तीन चीजों से डिफाइन कर रहे हैं, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो पहला है क्वालिटी, क्वालिटी में आ गया गुडनेस, अच्छाई, गुडनेस, काइंडनेस, दयालु, जो अच्छाई है। क्या आप इसकी फिजिकल प्रेजेंस देख सकते हैं? नहीं, यू कैन फील इट, आपके जो आपको फील कर सकते हैं आप इसको, अच्छाई को, दयालुता को। ठीक है, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, एक एग्जांपल है ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या आप इसको टच कर सकते हो? नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को यू कॉन्ट टच बिकॉज इट इज फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इसका फिजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, सो इसलिए आप इसको सूंघ नहीं सकते ना, यू कॉन्ट स्निप, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको देख नहीं सकते, सो इट मीन्स इट्स ओनली यू कैन फील, इट्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन, रिमेंबर दैट। सो ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है, ये हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम एंड ब्रेवरी। ठीक है, आपको क्वालिटी समझ में आ गया। नंबर टू है एक्शन, लेट्स सी टू एक्शन। एक्शन में क्या होता है? एक्शन, लाफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी, मूवमेंट, मूव करना, जजमेंट, जज देना, जजमेंट, हेटरेड, ना, हेटरेड मीन्स हेट रखना किसी के लिए। सो ये हो गए आपके एक्शन, जब आप कोई एक्शन करते हैं तो वो भी एक नाउन बन जाता है, हंस रहे हैं वो भी नाउन है, लाफ्टर, थेफ्ट, चोरी भी एक नाउन है, मूवमेंट, जजमेंट, हेटरेड। सो यू कैन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा सा ट्रिकी है कि यहाँ तीन चीजें मैंने बता दिया, क्वालिटी, एक्शन और नंबर थर्ड हम स्टेट पढ़ेंगे, बट स्टिल यू कैन सी दीज आर ऑल्सो नाउन्स। अभी तक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ा हो तो आप डायरेक्टली देख लेंगे कैसे कैसे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी केयरफुल, इसको ध्यान से पढ़िए, आपको काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये है एक्शन। नंबर थर्ड स्टेट, नंबर थर्ड इज स्टेट। स्टेट क्या होगी? चाइल्डहुड मीन्स एक बंदे की या पर्सन की जो स्टेट है, अवस्था, हिंदी में बोले तो अवस्था, क्या अवस्था है? चाइल्डहुड, बचपना, बॉयहुड, यूथ, जवानी, स्लेवरी, ना, किसी का दासत्व, स्लीप, सोना, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी भी एक नाउन है, गरीब होना भी एक नाउन है, गरीबी भी नाउन है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं तीन चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, रिमेंबर दैट। बट अब हम देखते हैं कि ये वर्ड्स आए कहाँ से, ये बने कैसे, ये कैसे नाउन में आए, किस जगह से आए, तो वो देखते हैं आगे। सो ये कहाँ से आए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, देखते हैं कहाँ से। नंबर वन, फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स से बने हैं। एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? नाउन को डिफाइन करना। एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? नाउन को डिफाइन करना। एडजेक्टिव्स के बारे में प्रॉपर समझने के लिए मेरा एडजेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल है ये कैसे हुआ, काइंडनेस, काइंडनेस मैंने अभी बताया था कि क्वालिटी में आता है ये, क्वालिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्वालिटी, एक्शन और स्टेट पढ़ा हमने, उसमें काइंडनेस है। सो काइंडनेस कहाँ से आया? काइंड, काइंड क्या है? एक एडजेक्टिव है, काइंड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, सो काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी कहाँ से आया? ऑनेस्ट से। देख सकते हैं कि अब एडजेक्टिव से क्या निकल के आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, नंबर टू ओबीडियंस, दिस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ ओबे, ओबे क्या है? एक वर्ब है, वर्ब से क्या बना है? ओबीडियंस, मीन्स एब्जेक्टिव से भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं,
और वर्ब से बनता है ग्रोथ, ग्रोथ इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किससे बना हुआ है, ग्रो, ग्रो इज अ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थ्री, फ्रॉम कॉमन नाउन, एज यू कैन सी कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, एक दूसरे से में ही चैन बनी हुई है इन लोगों की। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड इज अ कॉमन नाउन, इससे क्या बना, चाइल्डहुड। स्लेव से क्या बना, स्लेवरी, कॉमन नाउन, ठीक है। अब ये कॉमन नाउन क्या है, मैं आगे फर्दर समझाता हूँ आपको कि कॉमन नाउन क्या चीज है, बट राइट नाउ आप देख सकते हैं कि चाइल्ड से चाइल्डहुड बना, स्लेव से स्लेवरी बना, तो तीन चीजें होती हैं, एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से आप क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों अनदर क्लासिफिकेशन है नाउन का, वेयर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब दो अनदर ऐड हो गए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या है देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, कोई ऑब्जेक्ट है या लोग है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल बुक काउंट कर सकते हैं, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, सबको काउंट कर सकते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, काउंटेबल नाउन्स आते हैं। सो ये सिंपल होता है, काउंटेबल नाउन्स आप समझ सकते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं दिमाग में, कि जितने अगर सामने दिखे तो मैं इनको काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन्स, इसका डेफिनेशन क्या है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आता है। सो एग्जाम्पल है मिल्क, ऑयल, सुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का तो डेफिनेटली आप काउंट नहीं कर सकते, बट डाउट आपको थोड़ा यहाँ आ रहा होगा कि मिल्क, ऑयल, सुगर, गोल्ड को तो हम काउंट करते हैं, काउंट करते हो बट यूजिंग कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कोई तराजू यूज करते हो उस चीज को, या इंस्ट्रूमेंट बोला तो तराजू हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्राम को आप यूज करते हैं ऑयल के, सॉरी सुगर के लिए, गोल्ड के लिए, और आप लीटर का यूज करते हैं मिल्क ऑयल के लिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं इनको काउंट करने के लिए, बट इंडिविजुअली अगर आपको तेल दे दिया जाए हाथ में, क्या आप काउंट कर सकते हो कितना तेल है, नहीं। तो यही होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये है डेफिनेशन दोस्तों। काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट, ये जो लाइन है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काफ़ी काम आएगी, कि काउंटेबल नाउन्स आ गए तो आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं प्लूरल फॉर्म, बट अनकाउंटेबल का नहीं बना सकते, यू कैन नॉट ना। एक एग्जांपल है, वी से बुक्स, बुक जो है बुक्स किसका है, बुक का, बुक्स, बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, मिल्क्स नहीं कह सकते, बट मिल्क्स कैसे कहेंगे वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मिल्क्स कैसे बोल सकते हैं, मिल्क्स भी बोलते हैं बट कैसे बोल सकते हैं। बुक्स डायरेक्टली आप बोल सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, लेकिन मिल्क्स अगर लगा रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग होगा मेरे अगले वीडियो में आप देखिए, ठीक है। फर्दर, तो अभी तक हमने दोस्तों क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई, तो मुझे तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी नाउन की। नाउन को और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए, उस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा नाउन्स को एलिबरेट करके रखा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।